हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे विल डिस्कस विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमने इससे पिछले वीडियो में गाइस देख लिया कि हमारा विंडो क्या होता है, व्यूपोर्ट क्या होता है। बेसिक हमने क्लिपिंग के बारे में पढ़ा था कि क्लिपिंग क्या होता है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, उसकी हल्की सी डेरिवेशन क्या होगी, वो हम अभी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखाया तो आई सजेस्ट यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। अगर आप नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन। ठीक है, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। कई लोगों ने बोला था कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ओके, सो विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे। ठीक है, अब विंडो हमारा व्यूपोर्ट क्या था, एक बार हम उसका हल्का सा देख लेते हैं। हमारा पिछले वीडियो से हमने एक बेसिकली एक विंडो डिफाइन करी थी एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे। ये हमारा, अगर मैं विंडो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो विंडो के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए थे, एक्स डब्ल्यू मिनिमम, डब्ल्यू के रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेरा विंडो है, ठीक है ना, और ये मैंने लिया था एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई डब्ल्यू मिनिमम ये लिया था, और ये मैंने लिया था वाई डब्ल्यू मैक्सिमम। ठीक है, ये वाला मेरा जो है कोऑर्डिनेट। तो ये हमारी विंडो की बात हो गई थी। विंडो क्या बता रही थी कि हमें कौन सा पोर्शन देखना था, व्हाट इज टू बी डिस्प्ले। ठीक है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो हम जो भी पोर्शन उसका देख पा रहे हैं तो हम उसको विंडो बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज टू बी डिस्प्ले हमारा बताता है विंडो कि हमें देखना क्या है और उसको हम कहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, वेयर वी आर डिस्प्लेइंग दैट, उसको हम बोलते हैं अपना बेसिकली व्यूपोर्ट। सपोज ये मेरा व्यूपोर्ट है एक, ठीक है, ये मेरा हो गया व्यूपोर्ट। तो सिमिलरली मैंने इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट्स लिए थे, एक्स वी मिनिमम वाई वी, बिकॉज वी मतलब व्यू पोर्ट बता रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली एक्स वी मैक्सिमम ये था हमारा, ये था हमारा वाई वी मिनिमम, और ये हमारा क्या था, वाई वी मैक्सिमम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने विंडो और व्यू पोर्ट के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम इसकी एक डेरिवेशन से देखते हैं। एक और बात गाइस, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा विंडो हमेशा ही स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो। ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है, बस हमारा क्लोज होना चाहिए। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हमारा हमेशा स्क्वायर ही होगा, बस मेन मेरा मोटिव ये था बताने का। ठीक है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। सो गाइस, नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम। सिंपल वही कोऑर्डिनेट्स मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एक्स डब्ल्यू मिनिमम, एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम, डब्ल्यू हमारा विंडो बता रहा है, वी हमारा व्यू पॉइंट बता रहा है। ठीक है, अब सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, हम अगर सपोज मेरा एक विंडो है, हम अपना नॉर्मल खिड़की मान के चलते हैं। ठीक है, अगर हम उस खिड़की से बाहर झांक रहे हैं तो अगर हमको कोई सर्कल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हम इसको व्यू पॉइंट में देख रहे हैं तो हमको वो सर्कल छोटा भी दिख सकता है। ठीक है ना, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। क्यों, क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारा विंडो पे हमारा सब कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो इतना ही बड़ा, मतलब हमारा स्क्रीन तो छोटा भी सकता है, कंप्यूटर स्क्रीन तो छोटा सा है, तो हम उस पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सिंपल हमारा मतलब क्या है कि रिलेटिव पोजीशन सेम होगी, रिलेटिव पोजीशन सेम होगी। सेम मतलब क्या है, कहने का मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मेरी खिड़की में अगर मेरे को यहाँ पे सर्कल दिख रहा है और उतने ही बराबर डिस्टेंस में मेरे को यहाँ पे कुछ डिस्टेंस में मतलब एक और ऑब्जेक्ट सपोज मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया हुआ ये दिख रहा है, तो अगर मैं इसको व्यू पॉइंट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरा सर्कल और ट्रायंगल के बीच में मतलब स्क्रीन के हिसाब से उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने सर्कल इस कोने में दिखाया हुआ और सर्कल यहाँ पे बिल्कुल मतलब इतना अगर डिस्टेंस है तो ऐसा नहीं है कि अपना स्क्रीन पे हमारा सर्कल भी है और हमारा ट्रायंगल ही बिल्कुल यहीं पे आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन जो है हमारी वो हमेशा सेम मतलब चेंज नहीं होती है, इट इज ऑलवेज सेम। तो वही लिखा है मैंने, पोजीशन दैट इज अवर रिलेटिव पोजीशन विल नॉट चेंज, ओनली द साइज विल चेंज अकॉर्डिंग टू द विंडो एंड व्यू पॉइंट। ठीक है, साइज चेंज होगा सिर्फ, हमारा रिलेटिव पोजीशन नहीं चेंज होगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है, विंडो के लिए तो डब्ल्यू लगा दिया, और सिमिलरली व्यू पोर्ट में मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ एक्स वी वाई वी। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे कि मतलब ये तो मैंने बाद के लिए लिखा है, बेसिकली हमारे पास ये वाला पॉइंट है, अभी हम एक विंडो से बाहर झांक रहे हैं, सपोज हमारे पास छोटा सा स्टोन दिखा तो मैंने उसे कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। अब इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को इस व्यू पोर्ट की स्क्रीन पे, स्क्रीन हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, व्यू पोर्ट पे हमको दिखाना है तो हमें इसके इनके करेस्पॉन्डिंग हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, एक्स वी वाई वी हैव टू फाइंड इट आउट। सो अभी हमने बात करी कि रिलेटिव पोजीशन हमेशा सेम होती है। ठीक है, सो लेट अस हैव एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू गिवन एंड वी हैव टू फाइंड एक्स वी वाई वी, वो इमेज जो मैंने आपको बताया। अब क्योंकि ये हमारी इनकी रिलेटिव पोजिशन सेम है तो हमारा क्या होगा, एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, मतलब एक्स डब्ल्यू ये और एक्स डब्ल्यू मिनिमम ये है। ठीक है, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस मैंने पहले निकाला, दिस माइनस दिस, और फिर डिवाइड में किससे कर रहा हूं, एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम। ठीक है, मतलब पहले मैंने ये डिस्टेंस निकाला एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, फिर डिवाइड किया एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, मतलब पहले मैंने ये डिस्टेंस निकाला, डिवाइड किया इस पूरे डिस्टेंस से। ठीक है, दिस माइनस दिस अपॉन दिस, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू
हमारा क्योंकि रिलेटिव पोजिशन सेम है ना, तो इसमें भी ऐसे होगा। इसमें कैसे होगा, अगर मैं इसको एक्स वी मानता हूं तो एक्स वी माइनस एक्स वी मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स वी मैक्सिमम माइनस एक्स वी मिनिमम, ठीक है। मतलब वही बात हो गई जैसे मैंने इसमें क्या था कि ये वाला डिस्टेंस अपॉन बड़े वाला डिस्टेंस, इसमें भी ये क्या है, ये छोटा वाला डिस्टेंस अपॉन ये बड़ा वाला डिस्टेंस, ठीक है। मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमारा हो गया। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा रिलेटिव पोजिशन सेम है दोनों में, ठीक है, ये इसीलिए लिखा है। नाउ अगर हम आगे बात करते हैं तो सिमिलर यही चीज हमारी वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए भी हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे हमने अभी किया था, ये मैंने कैसे लिखे हुए, ये वाले मैंने पॉइंट्स, ये अगर हम डायग्राम को देखते हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना वाई डब्ल्यू ये हमारा पॉइंट है, तो वाई डब्ल्यू माइनस वाई डब्ल्यू मिनिमम, मतलब ये वाला डिस्टेंस छोटा वाला डिवाइडेड बाय वाई डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस वाई डब्ल्यू मिनिमम, मतलब बड़ा वाला डिस्टेंस। सिमिलर डिस्टेंस हमने अभी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, बिल्कुल सेम हम वाई के लिए कर रहे हैं, एक्स डब्ल्यू नॉट एक्स डब्ल्यू सॉरी वाई डब्ल्यू माइनस वाई डब्ल्यू मिनिमम, मतलब ये छोटा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वाई डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस वाई डब्ल्यू मिनिमम, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई डब्ल्यू माइनस वाई डब्ल्यू मिनिमम अपॉन वाई डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस वाई डब्ल्यू मिनिमम, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर हम व्यू पॉइंट की बात करें, क्योंकि हमारी रिलेटिव पोजिशन सेम है, ठीक है ना, तो इसमें भी हम वही करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है, वाई वी, तो वाई वी माइनस वाई वी मिनिमम डिवाइडेड बाय वाई वी मैक्सिमम अपॉन वाई वी मिनिमम, इसका डिस्टेंस अपॉन इसका डिस्टेंस, वही हमने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ है वाई वी माइनस वाई वी मिनिमम डिवाइडेड बाय वाई वी मैक्सिमम माइनस वाई वी मिनिमम, ओके। और ये दोनों इसीलिए क्यों, क्योंकि रिलेटिव पोजिशन हमारी सेम है, इसीलिए हमारा ये कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की बात होगी। अब हम यहां से एक्स वी और वाई वी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको कैसे लिखा, नेक्स्ट हमने जब इसको आगे किया तो हमने सिंपल यहां पे पहले हम x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, थीके? तो हमने क्या किया, उसको एज इट इज रखा, जो हमारा डिनोमिनेटर था जैसे हमने उसको राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। जो हमारा डिनोमिनेटर था मैंने इस डिनोमिनेटर को बस यहां पे राइट शिफ्ट कर दिया, वही मेरी एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दी मैंने, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरा ये वाला फ्रंट वाला पोर्शन है ना, एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, मैंने इसको यहां रख दिया और इसको यहां पे मैं शिफ्ट करके ले आया, देखिए यहां पे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, सिंपली इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, जैसे ए इंटू बी होता है तो बी इंटू ए लिख दो, तो एक ही बात है ना, वैसे ही मैंने यहां पे किया। तो अब जो मेरा यहां पे ये बना है एक्स वी मैक्सिमम माइनस एक्स वी मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, ये मेरा क्या होगा, इसको मैं अपना स्केलिंग फैक्टर बोलूंगा, ठीक है। जैसे व्हाट वी कॉल एज द स्केलिंग फैक्टर, ये हमारा स्केलिंग फैक्टर होता है। और फिर उसके बाद ये हमारा स्केलिंग फैक्टर हो गया, तो हम इसको एस एक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एस एक्स हमारा जनरली स्टैंडर्ड बुक्स में मतलब दिया होता है, तो एस एक्स मैंने यहां पे ले लिया। सो एक्स वी माइनस एक्स वी मिनिमम इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम वही एंड इन टू एस एक्स, इसको मैंने पूरा ले लिया, तो ये हो गया, ठीक है ना। और अगर हमारे को एक्स वी निकालना था हमारे को पूरे उसमें, ठीक है ना, तो एक्स वी को मैंने इसको क्या किया, इसको यहां पे राइट शिफ्ट कर दिया, तो एक्स वी इज इक्वल टू एक्स वी मिनिमम प्लस एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम प्लस एस एक्स, ठीक है। तो ये मेरा एक एक्स वी के लिए फॉर्मूला बन गया। नाउ अभी हमने एक्स का फॉर्मूला देखा, ठीक है, एक्स वी इक्वल टू एक्स वी मिनिमम प्लस एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम इंटू एस एक्स। सिमिलरली हम सेम प्रोसीजर करके बिल्कुल एस वाई वी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेट है उससे, वो भी हमारा ऐसे जाएगा वाई वी मिनिमम प्लस वाई डब्ल्यू माइनस वाई डब्ल्यू मिनिमम इंटू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है, मेरा यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है। जैसे हमारा स्केलिंग फैक्टर एस के लिए आया था एस एक्स, वैसे मेरा वाई के लिए एस वाई हमारा स्केलिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे स्केलिंग फैक्टर्स हो गए। अगर हम स्केलिंग फैक्टर्स की वैल्यू लिखना चाहे तो वी कैन राइट एज, ये हमने देखा था ना अभी, हमने इसको स्केलिंग फैक्टर बोला, तो अब हम इसको यहां पे लिख सकते हैं अगर चाहे तो, एस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स वी मैक्सिमम माइनस एक्स वी मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एस एक्स की वैल्यू, जो कि मेरा स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है। तो एक्स वी मैक्सिमम माइनस एक्स वी मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम। डब्ल्यू मेरा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, विंडो। वी मेरा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, व्यू पोर्ट, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर हम एस वाई निकालते हैं, जो कि हमारा स्केलिंग फैक्टर वाई के लिए, तो क्या होगा, सिमिलरली बस एक्स वाई रिप्लेस कर देंगे, तो वाई वी मैक्सिमम माइनस वाई वी मिनिमम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाई डब्ल्यू मैक्स माइनस ऑफ वाई डब्ल्यू मिन, ठीक है। तो ये हमारे एस एक्स और एस वाई की वैल्यूज हो गई, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल में भी काम सकते हैं, अगर सपोज हमारे को ये वैल्यूज दी हो एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम एंड ऑल, तो हमें बोला जा सकता है कि आप इसका स्केलिंग फैक्टर निकालिए। तो एस एक्स और एस वाई हम सिंपली निकाल देंगे इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। तो हमने देख लिया गाइस एस एक्स और एस वाई का हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है।
एंड हमारा एक्स वी वाई भी ऐसे करके निकलेगा, ठीक है। ये हमारे फॉर्मुलेस थे, हमने इनको डिराइव कर लिया, बस हमारा ये डेरिवेशन था। अब हम इसका सिंपल छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, फॉर आर अंडरस्टैंडिंग। अगर सपोज हमारे को ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेम वही है, एक्स वी मिनिमम एक्स वी मैक्सिमम जो हमने अभी पूरा डेरिवेशन में पढ़ा है। इसका एक सपोज हमारे को कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये हमारी विंडो है, तो हमें ये गिवन होगा, एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू इज गिवन, ठीक है। तो मैंने ये अपने आप एज्यूम कर लिया, ये हमारा 20 गिवन है, 80, 40, 80, ये हमारा 30 है, ये 60 है, ये 40 है, एंड दिस इज अगेन 60, ठीक है। सो इनिशियली हमको ये वैल्यूज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, हमें बोला क्या गया है कि आप एक्स वी वाई वी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। हमें बेसिकली बस ये व्यू पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू हमें 30.60 दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, 30.60। नाउ अब हम सिंपल अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स वी माइनस एक्स वी मिनिमम डिवाइड बाय एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मिन, वही जो हमने यहां लगाया था। क्या लगाया था कि एक्स का ये वाला डिस्टेंस डिवाइड बाय एक्स का ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स का ये डिस्टेंस डिवाइड बाय एक्स का ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने वही फॉर्मूला यहां पे लगाया है, और फिर हमने सिंपल वैल्यूज पुट कर दिए, एक्स वी माइनस हमारा एक्स वी मिनिमम क्या था, एक्स वी मिनिमम हमारा 30 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 30 माइनस कर दिया, और मेरा क्या था, एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मिन, एक्स वी मैक्सिमम मेरा 60 है और 30 है, तो 60 माइनस 30 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल्स एक्स डब्ल्यू हमारा क्या था, एक्स डब्ल्यू मेरा 30 है क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने 30 लिखा, माइनस 20 किया, 20 क्यू किया, एक्स डब्ल्यू मिनिमम, ये हमारा 20 है मिनिमम, और एक्स डब्ल्यू मैक्स हमारा 80 है, ठीक है। तो एक्स डब्ल्यू मैक्स हमारा 80 आ गया, और एक्स डब्ल्यू मिनिमम हमारा क्या था, 20। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, और सिंपली मेरा सॉल्व करने के बाद एक्स वी की वैल्यू आ गई 35, ठीक है। तो मेरा व्यू पॉइंट में जो एक्स वी की वैल्यू है मेरी 35 आ चुकी है यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग। नाउ अब सिमिलरली मेरे को वाई वी भी निकालना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, वही चीज करेंगे, क्या करेंगे कि ये वाला वाई वी का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला बड़ा वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस वाई डिस्टेंस डिवाइड बाय ये बड़ा वाला डिस्टेंस, ठीक है। वही हमने फॉर्मूले में जो अभी हमने पढ़ा था वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई वी माइनस वाई वी मिनिमम डिवाइड बाय वाई वी मैक्स माइनस वाई वी मिन इक्वल्स वाई डब्ल्यू माइनस वाई डब्ल्यू मिनिमम डिवाइड बाय वाई डब्ल्यू मैक्स माइनस वाई डब्ल्यू मिन, ओके, ठीक है। और अब हमने इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो इन वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारा सिंपली सॉल्व करने के बाद वाई वी की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया गाइस हमारा विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन विद इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। नाउ नाउ गाइस एक चीज बात नोट करने की क्या है कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है एक्स वी मिनिमम और एक्स वी मैक्सिमम के, एक्स वी मैक्स के टर्म्स में, ठीक है। काफी बुक्स में ऐसे ही दिया हुआ है, और कुछ कुछ बुक्स में ऐसे भी दे रखा है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये बिल्कुल फॉर्मूला वॉर्मूला सब यही रहना है, बिल्कुल मेथड यही है, बस इनकी नोटेशन अलग दे रखी है। वो कैसे दे रखी है, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा हमारा एक एक्स कोऑर्डिनेट था, वाई कोऑर्डिनेट था, ये हमारा विंडो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स वी मिनिमम लिया था, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे हम विंडो की बात कर रहे हैं, तो एक्स डब्ल्यू मिनिमम था और एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम था, ठीक है। तो कुछ बुक्स में क्या दे रखा है, डब्ल्यू एल डॉट डब्ल्यू आर ले रखा है, डब्ल्यू मतलब वही विंडो है, एल और आर हमारा लेफ्ट और राइट के लिए रखा है, हमने यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम लिया था, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा टॉप और बॉटम इन्होंने ले रखा है, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू बी, मतलब ये जो हमारा है ये हमारा डब्ल्यू टी है, दिस इज डब्ल्यू टी, और जो हमारा नीचे वाला है ये मेरा डब्ल्यू बी है, ठीक है, नीचे वाला। तो वही बात है, हमने बस वाई डब्ल्यू मैक्सिमम वाई डब्ल्यू मिनिमम लिया था, इन्होंने वाई डब्ल्यू टी मतलब डब्ल्यू टॉप डब्ल्यू बॉटम, जो भी नोटेशन आप फॉलो करना चाहे वो कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर मैं इनके टर्म्स में एक्स का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, सिमिलरली हमने व्यू पॉइंट के लिए भी यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, ठीक है ना। वी एक्स और वी वाई हमारा एक पॉइंट था, हमने यहाँ पे क्या लिया था, माय गॉड दिस पीपल आर हॉकिंग सो मच, सो वी एक्स और वी वाई हमारा सपोज यहाँ पे कोऑर्डिनेट था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, वाई वी मिनिमम और वाई वी मैक्सिमम, तो यहाँ पे हमारा वही राइट और लेफ्ट वाला कंसेप्ट जाएगा, तो यहाँ पे वाई वी मिनिमम के बदले हमारा वी एल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वी एल, वी लेफ्ट एंड दिस विल बी वी राइट, ठीक है। और ये हमारा वी टॉप वी बॉटम जो कि हमने वाई वी मैक्सिमम और वाई वी मिनिमम लिया था, ठीक है। तो ये वाई टी हो गया वाई टॉप, और ये वाई बॉटम वी बॉटम हो गया, ओके। तो इसके टर्म्स में अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ कैसे लिखते हैं विंडो टू व्यू पॉइंट मैपिंग में, अगर मैं इसमें एक्स के लिए लिखता हूँ तो क्या होगा, एक्स माइनस डब्ल्यू एल, मतलब एक्स माइनस डब्ल्यू एल वही जो हम कर रहे थे, एक्स माइनस ये वाला डिस्टेंस मतलब ये छोटा वाला डिस्टेंस डिवाइड बाई ये बड़ा वाला डिस्टेंस, तो इसने ये क्या हुआ, एक्स माइनस डब्ल्यू एल, ठीक है, डिवाइड बाई डब्ल्यू आर माइनस डब्ल्यू एल, डब्ल्यू आर माइनस डब्ल्यू एल हमारा ये पूरा बड़ा डिस्टेंस है। सिमिलरली हमारा व्यू पॉइंट के लिए हमने क्या हुआ है, वी एक्स माइनस वी एल, ठीक है, वी एक्स माइनस वी एल ये वाला डिस्टेंस छोटा वाला डिवाइड बाय पूरा बड़ा वाला डिस्टेंस, दैट इज वी आर माइनस वी एल, ठीक है, वी आर माइनस वी एल, आर डिनोट कर रहा है राइट कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो गाइज ये हमारा सब कुछ था विंडो टू व्यूपॉइंट मैपिंग के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड आगे भी हम ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे, 3D रोटेशन वगैरह सब कुछ लेके आएंगे। सो